हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्पेशल टाइप्स और इसके जो स्पेशल टाइप के बाद बेसिक टाइप्स करवाए थे आपको, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस थी। बेसिक डेफिनेशन तो आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके होंगे जो मैंने आपको करवाई थी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब जो स्पेशल टाइप थे उसे मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, और उसके बाद उसके कॉन्जुगेट मैट्रिसेस इस तरीके से टाइप्स करवाए थे। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चार पांच डेफिनेशन जो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। आज के लिए आपको लास्ट लेक्चर है वो आपका देखना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन यूज होगी आज के लेक्चर्स के अंदर जो आपको करवाने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। और टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं हम। लास्ट में तो सिर्फ आपको मैट्रिसेस के बारे में से मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन से डेफिनेशन मैट्रिक्स क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बेसिक और स्पेशल टाइप्स होते हैं, वो बताया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, वैसे तो टॉपिक या इसी के अंदर दो काम करेंगे, एक तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना, एक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना। आपने अभी तक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सिर्फ पहले एक आधा मेथड भी पढ़ा होगा कि इनवर्स कैसे फाइंड करते, तो अपने क्या करते थे कि ए इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटरमिनेंट लेते थे। बट अभी जब पढ़ने रहे इसके लिए हम इनवर्स के लिए भी अलग अलग मेथड्स होंगे और जो रैंक निकालेंगे उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स होंगे विद डेफिनेशन। पहले हमने डेफिनेशन शायद नहीं पढ़ी हो, अभी इसमें डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेफिनेशन भी पता होने चाहिए, फाइंड करने के मेथड्स भी सारे के सारे आने चाहिए। कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो क्या होती है। डेफिनेशन है कि ए नॉन जीरो नंबर आर, मतलब कोई भी नंबर ले लो जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, और उसको मैंने नेम दे दिया आर, तो वो ए नॉन जीरो नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इफ, तो अगर कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर आर है वो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। कब? इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट तो ये कि इफ देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर हूज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है अगर वो आर जो है उसकी रैंक कब कहलाएगी, जब वहां पर एक ऐसा माइनर का मतलब क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स अपने को गिवन है, जैसे ये मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स लेनी है मेरे को, ठीक है, 1, 3, 5, -9, -6, 9, 10, 1, 0, 5, ये कोई 3x3 की मेरे पास मैट्रिक्स है। अब वो बोलो इसका माइनर बताओ। अब हायर ऑर्डर कितना है? सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर 3x3 का ही, 3x3 का ही है। अब मेरे को इसमें से माइनर निकालना, माइनर मतलब छोटे छोटे उपसारणी जिसको बोल देते हैं, जैसे ये एक माइनर है, ठीक है, ये 1, -6, 3 और 9, ठीक है, ये 2x2 का माइनर निकल गया। इसी तरीके से ये वाला भी एक माइनर हो सकता है, इधर ये नीचे 2 ले लो ये भी एक माइनर है, ये ले लो ये भी एक माइनर है, 1, 5, 1, 5 को ले लो ये भी एक माइनर है। कुछ भी करके आपको 2x2 का एक माइनर निकालना, तो काफी सारे माइनर्स निकल सकते हैं इसके अंदर, वो आपके डिपेंड करता है आप क्या करते हो। तो उस माइनर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि देयर एक्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, मतलब वो बोल रहे कि उसके अंदर ऑर्डर आर का कम से कम एक माइनर एक्जिस्ट करना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो वो बोल रहे ऑर्डर आर, अगर वो बोल रहे कि नॉन जीरो नंबर आर ही जो है वो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है, इसका मतलब जो भी अपने को मैट्रिक्स गिवन है, जो भी उसका ऑर्डर है, ठीक है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को गिवन है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है वही उसकी क्या होती है, रैंक होती है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि माइनर ऑफ ऑर्डर आर उस डिटरमिनेंट इज जीरो। अब अपने को वो रैंक किस कंडीशन में कहलाएगी उसकी, अब रैंक की भी कंडीशन होती है कि जब जो भी उसका ऑर्डर है वो उसकी रैंक कहलाएगी, कब? जब उसका डिटरमिनेंट निकालो आप, जब उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, जीरो के बराबर नहीं आए। अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा उसका डिटरमिनेंट, इसका मतलब जो भी उस
मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही उसकी रैंक है। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट निकाल रहे हो किसी भी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, अगर वो नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, या किसी भी माइनर, उसमें से कोई माइनर उठा के देख लो, अगर माइनर का भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो जो भी उस मैट्रिक्स की का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ही उसका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकेंड देखिए क्या बोलता है वो, सेकेंड है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो, मतलब कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो, मतलब हो रहा है कि जैसे हमने एक पास कोई ऑर्डर आर ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसी ऑर्डर का आर प्लस वन मतलब एक और कोई भी रो या कॉलम उसके अंदर ऐड करें तो आर प्लस वन ऑर्डर का बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई हर एक माइनर हो जिसका ऑर्डर आर प्लस वन हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी माइनर है उसका ऑर्डर अगर आर प्लस वन हो तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, तो भी उसकी रैंक कहलाएगी। और मेन आपका ये है, आपको ये याद रखना है फर्स्ट। ठीक है, तो ये होता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब देखो इन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि रैंक ऑफ कैसे फाइंड करते, तो इजीली एक ही मेथड से करवाया जाता है। बेसिकली इनवर्स का भी सीधा सा फॉर्मूला बताया होगा कि ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। बट अभी जब करने जा रहे हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड है इसका, देखो मैथड के पहले नेम लिख देती हूँ मैं, कौन कौन से मेथड है, फिर हम अलग अलग मेथड्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड है इसका माइनर मेथड, इसका नेम है माइनर मेथड। ठीक है, फिर माइनर मेथड है इसका दूसरा नेम भी है, इसको बोल देते हैं डिटरमिनेंट मेथड। माइनर मेथड को डिटरमिनेंट मेथड भी बोल देते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड मेथड, आइसोलेन। ठीक है, आइसोलेन फॉर्म ऑफ मेथड, ये दूसरा मेथड है, इसको आइसोलेन फॉर्म बनानी पड़ती है आपको। आइसोलेन फॉर्म बनने के बाद उसकी रैंक इजीली फाइंड हो जाती है। फिर थर्ड मेथड देखिए इसका, थर्ड मेथड का नेम है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेथड। ठीक है, इसके दो इसको इस मेथड के दो नेम है, कैनोनिकल या नॉर्मल। तो ज्यादातर नॉर्मल लिखा हुआ आता है कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो। ठीक है, फिर इसी का एक और नाम है, ठीक है, इसी का एक और नाम है, वो है यूजिंग रो एंड कॉलम, यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस मेथड। तो ये भी लिखा हुआ आता है कई बार कि इसकी रो रैंक फाइंड करो, कॉलम रैंक फाइंड करो, तभी ये मेथड लगाना है। और नॉर्मल फॉर्म वाला बता दिया कि दोनों का एक ही नेम है। अब एक चीज और है इसमें माइनर मेथड का, तो भी मैं करवा देती हूँ। एक चीज और याद रखना कि जो आइसोलेन फॉर्म वाला मेथड जब भी लगाते हैं वो, ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप आइसोलेन फॉर्म से किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो आइसोलेन फॉर्म वाले मेथड से जब भी कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी ऑपरेशन लगे वो सब के सब ऑपरेशन सिर्फ रो के अंदर लगते हैं, उसके अंदर कॉलम वाले ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते। तो वही मैं यहां पे लिख देती हूं साइड में, ओनली रो ऑपरेशन, इसमें सिर्फ रो वाले ऑपरेशन लगेंगे। ये हम आर वन में से आर टू माइनस करके किसी को भी जीरो बनाना, मैक्सिमम जीरो बनाने होते हैं हमें, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताया थी कि क्या करना होता है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसकी रैंक कैसे फाइंड करनी है कि इतनी वो रो हमें फाइंड करनी है कि मैक्सिमम रो फाइंड करनी है कि जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे इसमें 1 2 3 0 2 0 0 0 0। अब देखो इसमें कितनी रो है जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट पड़े हुए हैं, एक तो ये रो है, ठीक है, और एक इसमें 2 पड़ा हुआ है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है। तो दो रो ऐसी हैं जिस, बाकी ये तो जीरो हो गई, इसका मतलब दो रो ऐसी हैं जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
ठीक है, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट देखो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से कभी मैट्रिक्स गिवन नहीं होती, हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अपने को गिवन होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं, उन एलिमेंट्स को आप मैक्सिमम टाइम जीरो बना के देखो कि कुछ भी ऑपरेशन लगा के देखो, ऐसे ऑपरेशन लगाओ कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की जगह पर जीरो बन जाए। इस तरीके से आपको ऑपरेशन लगाने हैं आपको कि जीरो बन जाए। अब मैक्सिमम जीरो के बनाने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैक्सिमम जीरो बनने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि और जीरो बन ही नहीं पाएंगे इसके अंदर, ठीक है, और जीरो नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब फिर हम चेक करेंगे कि ऐसी कितनी रोज बची हुई है हमारे पास जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स है। अब हो सकता है तीनों रोज के अंदर भी नॉन जीरो एलिमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर तीनों रोज के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट होंगे इसका मतलब तीन ही उसकी रैंक होगी, ठीक है। तो अब वो आयुषला प्रचंड क्या कहता है कि सिर्फ ये ऑपरेशन जो लगाने हैं हमें ये जीरो करने के लिए, हमें जो ऑपरेशन लगाने हैं वो सिर्फ रो रो में लगेंगे। आप कॉलम में से कॉलम या सी टू माइनस सी वन करके ऐसे करके करते जब अपने वो नहीं कर सकते, सिर्फ रो वाले इसके अंदर कंडीशन लगा के ही आपको करना है, कॉलम की कंडीशन आप नहीं लगा सकते, ये आयुषला फॉर्म कहती है, ठीक है। और कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, इसका नेम ही है कि रो और कॉलम ऑपरेशन यूज करने, इसका मतलब दोनों के आप इसके अंदर कॉलम भी यूज कर सकते हो और उसका रो वाले मैथ ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हो, चाहे रो वाले मैथड्स लगा दो आर टू माइनस आर वन करते हैं, चाहे कॉलम कर दो, दोनों तरफ से यूज करके आपको मैक्सिमम टाइम जीरो बनाना है। मैक्सिमम टाइम जीरो बनाने के बाद वो कर देंगे। अब ये जब इसका डिटेल के अंदर मैं आपको मैथड जब एक एक मैथड जब क्लियर कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कि आयुषला फॉर्म क्या होती है, कि बनाना क्या है लास्ट के अंदर, किस फॉर्म में बनाना है, इसी तरीके से नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम माइनर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज और है, इसकी जो रैंक है उसको डिनोट किससे करते हैं, लिख लूं मैं कि द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए, ठीक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोट करते हैं रो ए से, ठीक है। तो ये अब देखो ये सारे के सारे डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, वो बोला कि नॉन जीरो नंबर आर होगा, ठीक है, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहले तो ये मैं भी बता चुकी हूँ कि कोई मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट अगर आपका नॉन जीरो आ रहा है तो वही जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही उसका रैंक होगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर बोल रहा है कि अगर जो रैंक आपको गिवन है उसे जस्ट वन कर दो, एक और ऐड कर दो, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट है वो जीरो आना चाहिए। फिर इसके फाइंड करने के मैंने मेथड्स बताए, तीन मेथड है, माइनर आयुषला और कैनोनिकल का नॉर्मल फॉर्म है, दूसरा नेम है उसका यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड, ठीक है। माइनर मेथड अभी करवा लेती हूँ मैं क्या होता है, और माइनर्स भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किसी भी तीन रो थ्री बाय थ्री की अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखे तो उसका माइनर टू बाय टू का होगा, ठीक है। तो अगर थ्री बाय फोर की है तो उसका माइनर आपको चेक करना पड़ेगा कि माइनर कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आयुषला फॉर्म ऑफ मेथड होता है, और इसका इसकी फॉर्म में आप जब नेक्स्ट मेथड करवाऊंगी आपको उसके अंदर क्लियर करवा दूंगी कि आयुषला फॉर्म क्या होती है, फाइंड कैसे करते हैं, उससे रैंक कैसे निकलती है, ठीक है। और ये इसी तरीके से नॉर्मल फॉर्म का भी एक फॉर्म होती है, वो फॉर्म क्या होती है, रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें मैं आपको जब मेथड करवाऊंगी उसमें क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके माइनर मेथड के बारे में, तो वो देखिए क्या है। सबसे पहला मेथड हम करने जा रहे हैं माइनर मेथड, तो ये माइनर मेथड है, इसको मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही क्लियर करवाती हूँ करना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स वेयर ए आपको क्या गिवन है, ए गिवन है 202 134 और -1 -2 -3, ये आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है वो बोल रहे हैं। इसकी एक चीज और है, जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना किया जाए कि इस मेथड से करो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पहली बात तो कभी भी मेंशन किया हुआ नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स वेयर मैट्रिक्स आपको गिवन ये है, ठीक है। तो आपको रैंक फाइंड करनी, तो मैं जब आपको सारे के सारे मेथड्स करवा दूंगी तो आपको आप पे है कि आप कौन से मेथड्स इसको करते हो, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे इजी वाला मेथड आपका कौन सा रहता है, जो भी नेक्स्ट करवाऊंगी मैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मेथड, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेथड वाला मेथड जो है वो इजी रहता है, आयुषला फॉर्म में इजी ही रहती है, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। माइनर थोड़ा सा
इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि ये जो भी मेथड है ये हमेशा या तो 3x3 की मैट्रिक्स में लगता है या 3x3 से कम की मैट्रिक्स में लगता है। ठीक है, माइनर मेथड से क्यों नहीं कर पाते जा सारे के सारे सॉल्व, क्योंकि ये तो देखो 3x3 की कोई मैट्रिक्स है तो ये तो इजीली माइनर से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स आ जाए 4x4 की, 4x5 की, तो इस तरीके की मैट्रिक्स के अंदर हम माइनर मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो मैं बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बट इस मेथड से आप सिर्फ 3x3 या 3x3 से कम की जो भी मैट्रिक्स है, जैसे 2x2 है, 2x3 है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को आप सॉल्व करके आप रैंक फाइंड कर सकते हो। बट जब हायर ऑर्डर की आती है, ठीक है, तो हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आप माइनर मेथड यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो आयशरन में जाना है या नॉर्मल फॉर्म में जाना है, तो उन दोनों में से कोई भी ले लो। तो बेसिकली अच्छा यही रहता है कि आप दोनों में से कोई भी एक मेथड लगाओ, बट मैं करवा रही हूँ माइनर मेथड होता क्या है तो वो देखिए। तो माइनर मेथड के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसके सॉल्यूशन में, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दूंगी इसको, 202, 134, -1, -2 एंड -3। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालो इसका, डिटरमिनेंट निकालने के 2 -9 +8 -1 0 -1 +4। ठीक है, -1 0 -6। ठीक है, यहां आएगा कितना, -2 -4 +6। तो ये -6 + 6 आप इजीली देख रहे हो कि आपका जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी हो तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो अगर इक्वल में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस गिवन मैट्रिक्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा रो या ऐसी कॉलम एक्सिस्ट कर रही होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो रैंक है 3 नहीं हो सकती। मैंने अभी रैंक को मैट्रिक्स की डेफिनेशन करवाई है ना, फर्स्ट पार्ट उसका क्या कह रहा था, फर्स्ट पार्ट उसका कहता था कि अगर वहां पे एक ऐसा माइनर ऑफ ऑर्डर आर एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो जो उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक होती है, बट हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आया, इसका मतलब जो उसका ऑर्डर है वो उसकी रैंक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए जो है, अब ये 3x3 का था, ये जो मैट्रिक्स थी हमारे पास 3x3 की थी, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका जो ऑर्डर है वो उसकी रैंक नहीं है। इसका मतलब जो उसकी रैंक है 3 के इक्वल नहीं है। अब 3 के इक्वल नहीं है इसका मतलब 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि मैट्रिक्स 3x3 की, इसका मतलब 3 से कम ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी रैंक है वो 3 से कम है। ठीक है, 3 से कम है। जब इस तरीके से आ जाए, 3 हायर ऑर्डर से आपका काम ना बने, फिर हम क्या करते हैं कि माइनस में जाते हैं क्योंकि माइनर मेथड है, उसके माइनस निकालने पड़ेंगे। अब देखिए इसके माइनस कैसे निकालते हो आप, इसके माइनस कौन कौन से निकल सकते हैं, तो वो बोले कि ऐसे, अब वो बोले कि अगर हायर ऑर्डर की डिटरमिनेंट, हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है, तो अगर हमारे पास माइनस का भी डिटरमिनेंट 0 आ जाए, इसका मतलब उसकी रैंक तो फिर 2 भी नहीं हो सकती। सबसे पहले हम इसके डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट क्या निकल सकते हैं, एक तो जैसे ये 2013, ये किसका डिटरमिनेंट निकल सकता है, एक ये इसका डिटरमिनेंट निकल सकता है, एक ये माइनर है, एक ये माइनर है, तो इस तरीके से काफी सारे माइनर है, तो हम कोई दो में चेक करके देख लेते हैं। जैसे ये 2013 एक माइनर लो, तो ये हो जाएगा 6, 6 - 0, 6, यानी 6 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा तब तो हमने बोल देंगे कि उसकी जो रैंक है वो 2 से भी कम है, उसका ऑर्डर 2 है तो 2 से भी कम हो जाएगी। ठीक है, बट अगर इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि जो भी उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक है। अब देखो, अब इस तरीके से ये वाला माइनर लेके देख लो, सबसे पहले मैं माइनर ले ही लेती हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा। यहां लिख रही हूं मैं नाउ taking minors of 2x2 order, हम 2x2 order के minor take कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये पहले वाला ले लो, ठीक है, तो उसका ले लिया, तो मैं लिख लूँ 2, 0, 1 and 3, ये ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये वाला minor उठाया,
इस वाले माइनर का डिटरमिनेंट निकाल दें तो क्या आएगा, 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब वो कह रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 का था, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो भी उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक होती है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो जो उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक होती है। तो अब ये तो सिर्फ मैंने एक माइनर के लिए चेक कर रहा है, आप चाहो तो कोई और माइनर के लिए भी आप चेक कर सकते हो। जैसे ये वाला माइनर ले लो तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस का 4 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2 के लिए वो भी सेटिस्फाई है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसके लिए देखो तो 0 माइनस 6 माइनस 6 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसके लिए देखो माइनस इसका आ जाएगा 1, ठीक है, जो 1 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई है। तो सारे के सारे माइनस की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो इसकी रैंक है, इसका मतलब है कि जो रैंक ऑफ ए है वो क्या है, जितना उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक है, मतलब 2 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, किसी जो भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो भी उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक होती है। तो ये है हमारा माइनर मेथड। तो इस मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी निकली है हमारे पास, 2 निकली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करते जा रहे हैं। एक चीज और ये आप किसमें चेक कर सकते हैं, जिसका डिटरमिनेंट निकालना ईजी हो। अब देखो ये मैट्रिक्स देखने से पहले चल रही थी, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 का डिटरमिनेंट आप इजीली निकाल सकते हो, पहले भी पढ़ चुके हो आप, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना इजी है। इसका डिटरमिनेंट निकालना इजी है तो आप उसको माइनर मेथड से कर दो। अब जिसका डिटरमिनेंट निकालना इजी नहीं है तो बहुत लेंथी बढ़ता है उससे, ठीक है, बहुत लेंथी बढ़ता है, तो हम फिर इस मेथड से नहीं करते हैं, फिर हम नेक्स्ट मेथड में चलते हैं जो कि आयशन मेथड हमारा और नॉर्मल फॉर्म वाला मेथड होता है उसमें चलते हैं। बट जब भी अगर 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए उससे कम किया जाए तो आप माइनर मेथड से कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा माइनर मेथड। अब इसी माइनर मेथड पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं क्योंकि माइनर मेथड में ही है। मैट्रिक्स गिवन है, मतलब भाई ये फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, वेयर मैट्रिक्स आपको गिवन है -1 -2 -1 -2 4 2 and 3 -1 7। ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब ये भी मैट्रिक्स की 3x3 की है, 3x3 की, इसका मतलब इसको माइनर मेथड से कर सकते हैं, तो बाय माइनर मेथड। माइनर मेथड के लिए हमें वही काम, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालिए इसका -1 28 +2 +2 -14 -1 +3 और हो जाएगा -4 +, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30, तो माइनस का 30, और ये कितना हो जाएगा माइनस का अगेन 30, और उधर वो 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 60 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स, हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 3x3 हो चाहे 2x3 हो 2x2 हो, ठीक है, तो उसका अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो भी उसका ऑर्डर है वही उसका रैंक है। तो इसका मतलब 3x3 ऑर्डर था उसका, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, मतलब काम खत्म। माइनस कब निकालने हैं, जब शुरू वाला जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए। माइनस कब निकालने हैं, जब इक्वल टू 0 आ जाए, जब इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब 3 तो उसकी रैंक हो ही नहीं सकती, जो उसका ऑर्डर है वो उसका रैंक हो ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके माइनस निकालते हैं। माइनस निकालने के बाद फिर चेक करते हैं कि 2x2 के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, 2x2 वाले मैट्रिक्स के अंदर क्या चल रहा है, तो फिर 2x2 वाले मैट्रिक्स में जाते हैं, ठीक है। वहां अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर मतलब 2x2 भी उसका नहीं हो सकता रैंक, फिर हम उससे कम में जाते हैं यानी 1 में जाते हैं, तो 1 ही उसका क्या होता है, रैंक होता है। तो आपको दो तरीके करवा दिए। इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि 3 के 2 के आगे क्या काम कैसे करते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल था उसकी तो रैंक 2 निकल गई थी,
क्योंकि माइनस जीरो आ रहे, माइनस जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहे थे, माइनस क्या आ रहे थे, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहे थे, तो वहां पे काम खत्म। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जिसके अंदर उसके माइनस भी इक्वल में जीरो आ जाएंगे, उसके माइनस भी इक्वल में जीरो आ जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, तो वो देखिए प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर थर्ड ले रहे हैं, आपको रैंक फाइंड करनी है, मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल्स टू 1 3 -1 और 3 9 -3 4 12 -4 एंड 3 9 -3। आप देख सकते हैं कि 3/4 की कोई मैट्रिसेस है, तो मैंने बताया कि 3/3, 3/4 तो इस तरीके की मैट्रिसेस को आप माइनर मेथड से इजीली कर सकते हो, तो हम इसको माइनर मेथड से ही करके दिखाते हैं कि कैसे बनता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या, ये देखिए क्या इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो डिटर्मिनेंट में नहीं जाते हैं, सबसे पहले हम इसका इसके माइनस निकालते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके माइनस निकालते हैं, माइनस 3/3 के निकल सकते हैं, 3/3 के माइनस निकाल कर फिर उसका डिटरमिनेंट आप निकालिए तो क्या निकलता है, तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं, ठीक है, तो माइनर में लिखते हैं कि यहाँ पे देखो 3/3 के कितने माइनस बन रहे हैं वो आपको चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 3/3 के कितने माइनस बन रहे हैं, एक तो ये शुरू वाले 3 ले लो, एक ये माइनर है, लास्ट वाले 3 ले लो ये माइनर है, फर्स्ट का ले लो लास्ट 2 ले लो ये माइनर है, और फर्स्ट 2 ले लो और एक लास्ट ले लो ये एक माइनर है, तो इस तरीके से 4 माइनर मैक्सिमम बन सकते हैं। तो अब लिख देंगे हेयर फोर माइनस ऑफ 3/3 ऑर्डर, ठीक है, कौन कौन से माइनर्स हैं वो देख लीजिए, ठीक है, जैसे तो मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक तो ये शुरू वाले 3 ले लो 1 3 -1 3 9 -3 4 12 -4 ये ले लिया, एक क्या ले लो आप लास्ट वाले ले लो 3 9 -3 4 12 -4 3 9 -3 एक ये ले लिया, और एक फर्स्ट ले लो और लास्ट वाले 2 ले लो, ठीक है, फर्स्ट ले लिया 1 3 -1 लास्ट वाले 2 ले लो 4 12 -4 3 9 -3, ठीक है, और क्या ले सकते हैं आप, शुरू वाले 2 ले लो, ठीक है, और एक लास्ट वाला ले लो, तो शुरू वाले 2 लेंगे जब तो 1 3 -1 3 9 -3 और 3 9 -3, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके 4 माइनस हैं, अब 4 माइनस चारों के चारों क्या है 3/3 के हैं, इसका मतलब चारों का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, इन चारों को क्या कर सकते हैं डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब चारों का डिटरमिनेंट निकाल के आपको ये चेक करना है क्या चारों के चारों नॉट इक्वल टू जीरो आ रहे हैं, अगर चारों के चारों नॉट इक्वल टू जीरो आ गए इसका मतलब जो भी उसकी रैंक है, जो भी उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाएगी, जो भी उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी, ठीक है, बट अगर इक्वल टू जीरो आ रहे हैं फिर हमें इनके भी आगे छोटे छोटे माइनस निकालने पड़ेंगे, ठीक है, 2/2 के माइनस निकालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इन माइनस के अंदर देखो पहली रो और थर्ड रो सेम है, आपको पता है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी दो रो, कोई भी दो रो या दो कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 ही होता है, वो मैट्रिक्स 0 की इक्वल जाती है। इसी तरीके से इसके अंदर भी फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल है, इसके अंदर भी फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल है, इसमें भी फर्स्ट रो 1 3 3 1 3 3 इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या जाएगी 0, इसका मतलब चारों की चारों जो मैट्रिसेस हमारी क्या हो गई 0 हो गई। तो हम अभी ये लिखेंगे कि हर माइनर में दो रो इक्वल है, ठीक है, हर एक माइनर के अंदर क्या है कि दो रो इक्वल है, ठीक है,
मैट्रिक्स की वैल्यू, मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी। ठीक है, इन चारों की वैल्यू जीरो मिल गई। अगर इन चारों की वैल्यू जीरो मिल गई इसका मतलब क्या है, उसकी जो रैंक है वो थ्री तो नहीं हो सकती। ये सारे थ्री बाय थ्री के थे, इसका मतलब इनकी रैंक थ्री तो नहीं हो सकती। थ्री नहीं हो सकती इसका मतलब थ्री से क्या हो गई, कम ही होगी। ठीक है, थ्री से क्या होगी, कम ही होगी। जब इस तरीके से कंडीशन रहती है, जब इनकी रैंक नॉट इक्वल टू थ्री आ रही, थ्री से कम आ रही, फिर हम इसके अगेन माइनस में चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखते हैं, इनके माइनस लेंगे। नाउ taking minus of 2 cross 2 order। ठीक है, 2 cross 2 order के minus लो। देखो सबसे पहले ऊपर वाले में ही चले जाओ, जो main matrix है कि इसी में से निकाल लो, इजी रह जाएगा। इसके minus निकालते हैं, minus निकालते हैं। देखो सबसे पहले ये पहले वाला 2 cross 2 का minus लो, इसमें आएगा 9 minus 9 0। इसका मतलब पहले minus की value 0 मिल रही है। इस तरीके से इसका लो, 36 माइनस 36 ये भी जीरो, 36 माइनस 36 ये भी जीरो, माइनस नाइन प्लस नाइन जीरो। इस तरीके से इसकी वैल्यू लेंगे, जितने माइनस करोगे सबकी वैल्यू जीरो ही आनी है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, थोड़ा आपको सही इजीली प्रूफ हो जाएगा। माइनस कौन कौन से ले रही हूँ मैं, एक तो ले रही हूँ 1339, ये माइनस ले रहे हैं, और एक ले रहे हैं हम 3 9 4 12, ये ले लिया, एक ले लिया 3 minus 1 9 minus 3। इसी तरीके से ले लो काफी सारे माइनस, कुछ भी ले लो आपके पास। यहाँ पे देखो 9 minus 9 0, 36 minus 36 0, minus 9 plus 9 0, सबकी क्या मिल रही है, 2 by 2 मैट्रिसेस की सब जितने माइनस है सबकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, फिर से जीरो मिल रही है। ईटीसी, क्योंकि ये तीन ही नहीं है, और भी काफी सारे माइनस आप निकाल सकते हो, तो सबकी वैल्यू जीरो ही मिलेगी। इसका मतलब क्या, अगर इसकी वैल्यू भी जीरो मिल गई, यहाँ पे जीरो थी तो इसका मतलब क्या कह रहे थे कि जो उसकी ऑर्डर है वो उसका रैंक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू भी हमें जीरो मिल रही है, इसका मतलब जो भी उसका ऑर्डर है वो उसकी रैंक नहीं है, मतलब टू उसकी रैंक नहीं है। अगर टू उसकी रैंक नहीं है इसका मतलब टू से कम ही होगी, टू से कम ही होगी। अब टू से कम ही होगी इसका मतलब उसकी रैंक क्या, वन हो सकती है। ठीक है, वन हो सकती है या जीरो हो सकती है, बट जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैट्रिक्स जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर जो हमें गिवन मैट्रिक्स, जो भी क्वेश्चन गिवन है, वो अगर जीरो 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 होता, उसी कंडीशन के अंदर हम उसकी ले लेते कि उसकी रैंक जीरो है। बट अब दो से कम ले, दो से कम या तो जीरो है या वन है, बट जीरो हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमें किसी ना किसी वेरिएबल एलिमेंट्स के अंदर दे रखी, जीरो के अंदर नहीं है। अगर जीरो होती तो उसकी रैंक हम बोलते जीरो है। तो वही है, इसकी अगर हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो हमें दे रखी है मैट्रिक्स वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब उसकी रैंक जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब जीरो नहीं हो सकती तो उसकी रैंक क्या है हमारे पास, वन नहीं होगी। तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक क्या है हमारे पास, वन है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन माइनस के रिलेटेड जो भी थे। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ऊपर जो भी आपको मैट्रिक्स दे रही है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब जो भी उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक है। ठीक है, बट अगर जो उसका डिटरमिनेंट है वो इक्वल के अंदर जीरो आ रहा है, फिर आपको उसको क्या करना, माइनस के अंदर तोड़ो। माइनस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या फिर से जीरो आ रहा है। अगर फिर से जीरो आगा तो उसको फिर से माइनस निकालो। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आ जाता। रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के तीन मेथड है, माइनर मेथड, आइसोलेशन फॉर्म हो गया, ठीक है, और कैनोनिकल फॉर्म। तो तीनों के तीनों मेथड्स आपको मैंने जिसमें आपको माइनर मेथड में करवा चुकी हूँ, बाकी दो मेथड्स पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। माइनर मेथड में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं कि माइनर मेथड से रैंक कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको उसका डिटरमिनेंट ही निकालना होता है। अगर डिटरमिनेंट इक्वल के अंदर जीरो आ रहा है इसका मतलब जो भी उसका ऑर्डर है वो उसकी रैंक नहीं है, नहीं है तो उसका माइनस में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसके माइनस निकालो। माइनस अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहे हैं, ठीक है, माइनस अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब जो भी उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक है। इसका मतलब टू बाय टू की थी वो मैट्रिसेस, इसका मतलब वही उसका क्या है, रैंक है, टू उसकी रैंक है। ठीक है,
ठीक है। और इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि अगर आपके पास सेकंड 2/2 की मैट्रिसेस है, अगर वो भी आपके पास इक्वल टू जीरो आ जाए, 3/3 की भी इक्वल जीरो आ गई और 2/2 की भी इक्वल जीरो आ गई, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, आपको जो मैट्रिसेस है वो चेक करनी है कि 2 से कम रैंक और क्या सकती है, जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, बट जीरो हम ले नहीं सकते क्योंकि जो गिवन मैट्रिसेस है वो वेरिएबल के अंदर दे रखी है। अगर जीरो के अंदर होती तभी उसकी रैंक जीरो होती है, अगर वेरिएबल में इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसकी रैंक सिर्फ एक ही बची, 1, तो वही उसकी क्या है, रैंक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके जो भी दो मेथड्स मैंने आपको करवाए हैं, आइसोलाइन फॉर्म हो गया और एक हो गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेथड, ठीक है। तो दोनों के दोनों मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आएंगे इसकी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।